तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नितरीलाभ विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य गुरु शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीलाभ विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री कृष्णमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय जन्म हुए, जन्म होने पर क्या हुआ, सारे देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्पों की बौछार कर रहे थे और उसी समय में और सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था महाप्रभु जन्म ग्रहण करने पर। कहते जार मुखे जन्मे वो ना बोले हरि नाम, सही हरि बोली जाए करिया गंगा स्नान। कहते गले हम श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु ये चाह रहे थे जगत में मैं जो आ रहा हूँ उसमें एक कारण है, विश्व ब्रह्मांड को हरिनाम प्रेम देने के लिए, विश्व ब्रह्मांड हरिनाम ग्रहण करे। कहते ऐसे समय पर आऊँ जिस समय सबके सब हरि बोल करते हुए हो, सबके सब हरिनाम करते हुए हो। इसलिए यहाँ पर कहते बोले जार मुखे जन्मो ना बोल हरिनाम, जरा कभी भी हरि का नाम नहीं लेते थे, लेकिन जिस समय चंद्र ग्रहण अवस्था में बोले सही हरि बोली जाए करिया गंगा स्नान, वो व्यक्ति भी हरि बोल करते करते गंगा स्नान करने के लिए सबके सब जा रहे थे। या हई ते हई वे एक अपूर्व प्रचार, ए शिशु करी वे सर्व जगत उधार। कदि महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, कदि ये चैतन्य महाप्रभु से क्या होगा, कहते सारा दुनिया में हरि भक्ति प्रचार होएगा और इसी बच्चे से ही सारा जगत का उद्धार होने वाला है। बोले ब्रह्मा शिव सुख जहा बांछे अनुखणी, या है त है तहा पाइबे सर्वजने। कहते बच्चा करेगा क्या, कहते श्री महाप्रभु को जो माता जी सच्ची माँ की जो पिताजी उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, ये बहुत बड़े ज्योतिष थे। इसलिए बच्चा जिस समय में जन्म ग्रहण करता है अब देखना उसी हिसाब से नामकरण करते हैं, उसी हिसाब से सब पता चल जाता है कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र कौन सा समय में
ये बच्चा जन्म लिया। अभी भी इंटरनेट में इंटरनेट पर डाल देने पर सारे जीवन का सारे सब कुछ आ जाता है, पर जीवन में क्या होगा नहीं होगा सब कुछ आ जाता है। इसलिए निदाहरी चक्रवर्ती ने बताई, ये जो बच्चा जिस समय जन्म ग्रहण किया है उसमें बड़ा शुभ लग्न में जन्म ग्रहण किया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र ये बता रहा है कि तो ब्रह्मा शिव सुख जहाँ बाछे अनुखण, मतलब जिस चीज़ को ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं, जिस चीज़ को शंकर भी प्रार्थना करते हैं, मतलब जिस चीज़ को श्री सुखदेव गोस्वामी वाचना करते हैं, मतलब अनुखण, मतलब हर समय जिस प्रेम के लिए ये हर समय लालायित हैं। और ब्रह्मा जी तो पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, शंकर तो गोपी बन करके आ गए हैं, और श्री उद्धव जी तो यहाँ के गुल्म लता बनने चाह रहे हैं, नारद तो गिरिराज तलहटी में पता नहीं कितने हजार साल तक उन्होंने तपस्या की। मतलब जिस प्रेम के लिए अनुक्षण प्रार्थना करते हैं यह है तहा पाइबे के सर्वजन। लेकिन वो कह रही ये जो बच्चा है ये बच्चे से क्या होगा, सारा दुनिया को ये प्रेम मिलेगा। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, वहाँ पर देखो अंग्रेज लोग जिनको मलेच्छा कहते हैं हम लोग, जो गो मांस खाने वाले, जिनका कोई वर्णाश्रम फर्णाश्रम कुछ है नहीं है, जिसको साथ में खाओ, जिसको साथ में घूमो, जिसको साथ में विषय भोग कर, जो ऐसे व्यक्ति जो सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनको देखो कल में कंठी तिलक माला चोटी रख करके वृंदावन में देखो वेद पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, हैं? हम लोगों को हम कभी कभी देखते हैं, हम लोगों को जितने ये नहीं है ना, हमारे हिंदुओं को उनको उस सब ज्ञान है, सारे वैदिक यज्ञ कर रहे हैं सबके सब, ए बड़े सुंदर मंत्र उच्चारण करते हुए वैदिक यज्ञ करते हैं वो सबके सब, आश्चर्य है। हमारे हिंदुओं को पूछो गीता भागवत का कोई श्लोक हमें नहीं आएगा, उनको पूछो गीता भागवत का श्लोक, ए जरा जर वहाँ पर एक राधानाथ महाराज है, अंग्रेजी है राधानाथ महाराज, वो अभी वो जो बम्बे में है, आप वहाँ जाओगे ना देख देख कर दंग रह जाओगे, उनका भक्ति उनका प्रचार उनका आश्रम अब देखोगे। मैं कभी गया था संडे में, हे भगवान कितने लोग आए हुए थे, हजार हजार लोग, उन्होंने पहले पुन्ना में मंदिर खोले और उनने और वहाँ पर बम्बे में बहुत बड़ा एकड़ जगह लेकर के दूसरा वृंदावन खोल दिया, जिसका टिकट से 500 रुपया है, उसमें गिरिराज गोवर्धन गंगा बहते देखा, यमुना नदी देखेगी, जितने वृंदावन में मंदिर है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा गोकुलानंद श्याम सुंदर सारे मंदिर वहाँ पर बनाए, पूरा वृंदावन बनाए, क्या भीड़ रहती है वहाँ पर, हजार हजार लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते, क्या बनाए वहाँ पर अद्भुत रूप में उन्होंने बनाए उनको। और एक जयपति का महाराज अंग्रेजी है, जब अंग्रेज लोग हैं हमारे हिंदू लोगों को इतने भक्त उनकी, एक जयपति का महाराज है, वाह वाह आप सोच नहीं सकते, उनका जो प्रचार प्रसार है ना तुम सोच में दिमाग से बाहर है, जो मायापुर का जो मंदिर है उन्होंने बनाया, पूर्व बंगाल में उनका जो शिष्य, उनका जो बंगाल में जो शिष्य, विदेश में जो शिष्य, कि अंग्रेजी लोग होकर के हैं, अंग्रेजी लोग होकर के आ करके हमारे देश में, पहले तो उन्होंने हमारे भारत के ऊपर में शासन किया है 200 साल तक, अभी आकर के भक्ति के ऊपर शासन कर रहे हैं, पहले तो वैसे उसको शासन किया, अभी ये हमारी भक्ति के ऊपर में ये लोग आकर के हमारे सारे भक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं, हैं? और अभी ये भक्ति को लूट लाट करके अभी भक्ति को लूट लाट कर ले जा रहे हैं। इसलिए ऐसे उन लोग ऐसे उन्होंने हरि भक्ति को कहती, ये बच्चे से हैं, इस बच्चे से सारा दुनिया में ये हरि भक्ति प्रचार हो गया, सारा दुनिया सबके सब ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं ये जो बच्चा है ना, कह रहे हैं ये जो बच्चा है, ये बच्चा के शरीर में जो चिन्ह दिख रहा है, क्या चिन्ह दिख रहा है, बोले ये एक दिन ये गौड़ में ये राजा बनने वाले हैं, कहते एक चक्र अधिपत्य इसको प्राप्त होगा, क्या किस चीज़ में, बोले भक्ति में, भक्ति में हैं, भक्ति को द्वारा सारा दुनिया को इकट्ठे करेगा, चक्रवर्ती का चिन्ह दिख रहे हैं, हैं? और ऐसे लग रहा है कि साक्षात जैसे नारायण स्वरूप है, और इसी से जगत में जो शुद्ध भक्ति को स्थापन होगा,
और जगत को ये प्रेम दान दे करके सबको ये उद्धार करेगा। और उन्होंने क्या करेगा, बोले विश्व ब्रह्मांड में इनकी जन्म को कुछ दिन बाद में देखना रुचि परीक्षा होता है, देखे कि नहीं रुचि परीक्षा। जब बच्चा घुटन पर चलने लग जाए तो उस समय उसको सामने बहुत सारी चीज़ को रख दिया जाता है, अलग अलग चीज़ को, वो बच्चे को छोड़ दिया जाता है। जब अगले घुटन पर चलना सीखे, देखना वो जा जा करके वो एक चीज़ को पकड़ता है, और जिस चीज़ को पकड़ने पर पता चलता है इसका भविष्य क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। कहते ये भगवान राम का जब रुचि परीक्षा हुई तब उन्होंने दो चीज़ को पकड़ दिया, किसको किसको, कहते उन्होंने आप एक को तो वेद को और एक उन्होंने शास्त्र को, जिससे वशिष्ठ जी ने कहा ये व्यक्ति जो बच्चा है भविष्य समय अस्त्र और शस्त्र और वेद जगत में भक्ति की धारा को प्रवर्तन करना और उन्होंने बहुत बलवान बनेगा, शस्त्र विद्या में भी पारंगत होगा और जगत में मर्यादा को जगत में वेद को स्थापन करेगा। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़े महाप्रभु गुठन पर चलते चलते किस चीज़ को स्पर्श किया, भागवत को, भागवत को जाकर स्पर्श किया, जो प्रभुपाद है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, इनका जब रुचि परीक्षा हुई इन्होंने भी जा जा करके धीरे 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 उन्होंने भी भागवत ग्रंथ को उन्होंने भी धारण किया था, इसलिए जगत में शुद्ध भागवत धर्म को जगत में प्रचार किया। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते रुचि परीक्षा में उन्होंने क्या किस चीज़ को जाकर धारण किया, कहते ये भागवत ग्रंथों को उन्होंने पकड़े, जिसको ज्योतिष देख करके पता चल गया जगत में ये भागवत धर्म को जगत में प्रचार और ये प्रसार करेगा। इसलिए लेकिन उन्होंने सारी एक एक बात को उन्होंने बताई, ये बच्चा का भविष्य क्या है, एक एक चीज़ उन्होंने बताया क्या क्या करेगा, लेकिन एक चीज़ को उन्होंने छुपा दिया, बोले ही नहीं। कौन सा चीज़ बोले, क्या चीज़ को नहीं बोले, छुपा कर रख दिया, बोले ये 24 साल उम्र में ये सन्यासी बनेगा, हैं जैसे भगवान राम वशिष्ठ ने सारी बात बताई लेकिन एक बात नहीं बता दी, क्या नहीं बताया 14 साल के लिए वनवास जाएगा, हैं इसलिए ये बात को नहीं बताए। कहते उसी तरह उन्होंने इनकी बात को नहीं बताए, ये बेटा एक दिन सन्यास ग्रहण करने वाले हैं, हैं क्योंकि हर घर गृहस्थ क्या चाहते हैं, कोई चाहते हैं बाप माँ मेरे बेटा सन्यासी बन जाए, कोई चाहते हो तुम लोग, इसलिए उन्होंने बोले नहीं, ये बात को उन्होंने छुपा करके रख दिया है, क्योंकि ये कहते कि सबके सब आनंद महोत्सव हो रहा है, सबके सब वाद्य बज रहा है और देव स्त्रियाँ हैं सबके सब साधारण इंसान का रूप धारण करते हुए साधारण नारी रूप में आ करके भगवान को धन्य दुर्बा इसको द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको प्रार्थना करते हैं, बोले जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना। जैसे कृष्ण जन्म जब हुए सारे ब्रजवासी सब गा रहे थे ना, हैं बेटा जुग जुग जीओरी सच्ची रमैया हैं तेरो ललना, तुम्हारी बेटा जुग जुग जी जीते रहे, खूब फले फूले सब माताएं सबके सब आशीर्वाद दे रहे थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये महाप्रभु का तिथियों को जो पालन कर रहे हैं, बाप भविष्यत में जब चैतन्य महाप्रभु का कोई तिथि आएगा, कद अगर ये तिथि को कोई पालन करेगा तो उसका फल क्या है, फल क्या है, बोले फल है एक दिन ये संसार का बंधन नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो करके उसको अचिरात में कृष्ण प्रेम की कृष्ण भक्ति उनको प्राप्त होगा। इसलिए देखो जब भगवान कृष्ण का जन्म तिथि आता है हम कितने धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, जब भगवान राम लाला की जन्म तिथि आते क्यों भारत में इसको मनाते हैं, कारण क्या है, कहते भगवान की तिथियों को पालन करने से हमारा संसार का बंधन अविद्या दुख कष्ट सब के सब हमारी दूर हो जाएगी। बोले गौर चंद्र आविर्भाव सुने जई चने कभू दुख नहीं तार जन्म वा मरण। देखो क्या कह रहे हैं, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव की कथा जो श्रवण करेगा कभू दुख नहीं, उसको कभी जिंदगी में दुख नहीं मिलेगा, तार जन्म वा मरणी उसका जन्म समय भी दुख नहीं मिलेगा
और मरते समय भी उसको कोई दुख कष्ट नहीं होगा। बोले ताबत कांदने प्रभु कमल लोचन हरि नाम सुन ले रहे न तत्क्षण। यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु एक बहुत बड़ी शिक्षा दिया है। बोले क्या शिक्षा दिया? जैसे बच्चे हम देखना, सब छोटे छोटे बच्चे कभी रोते हैं कि बच्चे, तब मैया क्या कर थपथप लगा कर उसको रोना को बंद करती है। लेकिन महाप्रभु ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दिया। बोले क्या शिक्षा दी? बोले महाप्रभु को जब रोते हैं, जितने थपथप लगा कर उनको सुलाओ ना, उनका रोना बंद नहीं होता था। लेकिन रोना तभी बंद होता था जबकि सब जितने माताएं हरि बोल हरि बोल हरि बोल जब करते थे, हैं, जब भगवान के नाम को लेते थे ना, अपने आप महाप्रभु चुप हो जाते थे। तो इसमें शिक्षा देते हैं, बोले महाप्रभु ने ये लीला उन्होंने क्यों किया। देखो बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने दिया। प्रभुपाद कहते हैं, बोले भैया जगत में तब तक रोते रहोगे जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तब तक जिंदगी में रोते रहोगे। कहते रोना तुम्हारी कब बंद होगा? बोले रोना तभी बंद होगा जब भगवान की नाम को ग्रहण करोगे। इसलिए भागवत में एक श्लोक है, कहते अनायासन मरणम बिना दन्य न जीवनम अनाराधित गोविंद भजनम कथम स्यात्। इसका मतलब है बोले अनायासन मरणम, देखना जीवन में सबसे ज़्यादा दुख जानते हो क्या है? बोलो जीवन में सबसे ज़्यादा दुख क्या है? ये बुढ़ापा है। इससे जीवन में इससे बड़ा दुख जगत में और कुछ भी नहीं है। अब देखना बुढ़ापा में किसी को देखना तो साल साल तक पड़े रहते हैं, उसमें ही टाटी पेशाब करते रहते, जीवन का सबसे बड़ा दुख है, हैं। इसलिए कोई कोई कहते भैया चलते फिरते जैसे शरीर छूट जाए, किसकी सेवा हमें लेना नहीं पड़ जाए, चलते चलते हमारे जैसे यही चाहते ना, अंतिम समय में किसकी सेवा हमें लेना नहीं पड़े। नहीं तो साल साल तक भगवान कपिल देव माँ को कह रहे, बोले माँ जैसे बैल होता है ना, किसान कब तक उसको खाना देता है? जब तक ये काम करता है। लेकिन जब ये काम नहीं करता है ना, देखना उसको सामने कुछ फेंक दिया और नहीं देखता, क्यों? काम तो नहीं कर रहा है, उसको खाना भी नहीं देता है। संसार भी ठीक वैसे ही देख लेना, तब तक बहू बेटा तब तक देखेंगे, कब तक? बोले जब तक ये बूढ़ा बूढ़ी काम करते हैं। लेकिन जब काम नहीं करते हैं ना, क्या करते हैं? हम एक बहुत बड़े करोड़ों रुपया दे करके मकान बने, हम उसको घर में गए थे, देखा घर को बाहर एक रूम बनाया हुआ। हमने कुछ लोगों को पूछा, भैया ये रूम किस लिए बनाए? बोले जब ये बूढ़े हो जाएंगे ना, उनको यही स्थान देंगे, इनको यही स्थान देंगे, यही पर रख देंगे, हैं। इसलिए ये दुनिया बड़ा विचित्र है। और जब ज़्यादा बुढ़ापा हो जाए, खांसते रहे, ये करे, पूरा परिवार सोचता है ये बूढ़ा कब मरेगा, ये बूढ़ी कब मरेगी, अभी तक तो मर ही नहीं रही है, हैं। फिर जब ज़्यादा दिन हो जाए ना, फिर हम कहीं कहीं जाता है ना, बोले बाबा क्या करने पर इनका जल्दी जल्दी सदगति हो जाएगा, बोलो। तो फिर हम कहते एकादशी व्रत करके फल दो। मतलब संसार यही से है, एक कितना जल्दी जल्दी ये जाए, हैं, ये जल्दी जल्दी जाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, देखो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोले अन्ना आसेन मरणम। बोले अन्नासन मरण मतलब बिना दुख कष्ट से मृत्यु होना। बोले बिना दैन्यन जीवनम, जीवन बगैर दुख कष्ट के जीवन बीतना। बोले कैसे होगा? देखो ये सूत्र को लिख लो, कहते अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्। जब तो कोई निष्कपट रूप में भगवान की भजन नहीं करे, भक्ति सही सही होनी चाहिए और भक्ति निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, ये भागवत कहता है। अगर जब तक शुद्ध रूप में भक्ति नहीं करे ना, मतलब कभी तुम्हारी जीवन सुख में जीवन नहीं जाएगा और कभी भी तुम्हारी अनायास में तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। हमारा मंदिर में एक बाबा रहते थे जिनका नाम था कैलाश, अद्भुत है, इतने भगवान के प्रति रुचि सोच नहीं सकते हैं। ठाकुर का जो बर्तन, जो प्रसाद, ये ठाकुर का जो अर्चन का जो बर्तन है, जब तक वो नहीं मलेगा किसको मलने नहीं देगा, कोई अगर मल दिया ना, लड़ाई शुरू कर देगा। और भगवान का जो नाट मंदिर है ना, लास्ट में उसको घुटन में थोड़ा दर्द हो गया, बैठ नहीं पाते थे, लेकिन पूरा नाट मंदिर को पोछा लगाएगा। और सवेरे जैसे प्रसाद का टाइम हो गया ना, हम बोलते पहले कैलाश प्रभु प्रसाद पालो, वो क्या कहते थे,
बोले अभी तक स्वामी का मैं कोई सेवा नहीं कर पाया, बिना सेवा करते हुए उसका मैं ग्रहण कैसे करूँ, एकदम अनपढ़ गंवार है, गांव के लिखा पढ़ा एकदम नहीं, लेकिन उनका जो भक्ति की भावना अद्भुत, दिन भर सेवा करना और ठाकुर का जैसे आरती होना, अगर सोता रहा अभी एकदम बूढ़े हो गए, उठना जिसमें कठिन हुआ, आरती हो रहा है, बोले कैलाश आरती में नहीं जाओगे, उठो आरती का समय हो गया, कैलाश उठो, अपना का अपनिया बोलते थे, उठो चलो आरती में चलो, अरे लंगड़े लंगड़े करते करते आएंगे, हैं आएंगे, ऐसे उन्होंने सेवा। और जब समय मिलेगा बस हरिनाम का माला ले लेंगे, ठाकुर के सामने रूप सनातन बैठे रहते थे, माला लेकर के ऊपर छत के ऊपर बैठी करके हरिनाम करते रहेंगे, हरिनाम करते रहेंगे। और उन्होंने जो मंदिर में आए थे, प्राय उम्र ज़्यादा उम्र में ही आए थे, मंदिर में आए थे, लेकिन इतने भजन किया, देखो इनका मृत्यु कैसे हुई है, कार्तिक महीना में हमारे परिक्रमा चल रही थी, अभी वृंदावन का परिक्रमा, वहाँ से हम गोवर्धन चले गए, और वृंदावन में एकादशी का दिन हमारे के बाबा जी महाराज, उनके लिए कभी कभी थोड़ा दवा ले आते थे, तब उन्होंने वो आ जाते थे आरती में, तब वो आते थे शाम को आ जाते थे, दोपहर में प्रसाद पाए, दोपहर में प्रसाद पा कर जा कर के लेट गए, लेट करके शाम को नीचे उतरते थे, और बाबा जी महाराज गए, बोले आज क्यों नहीं आए, आज क्यों नहीं आए, घर में गए, घर में जा कर के जब उन्होंने बोले कैलाश प्रभु उठो, जब उन्होंने प्यार को हिलाना पूरा शरीर हिल गया, पूरा शरीर हिल गया, बोले ये किया, फिर देखा शरीर छोड़ो, दोपहर में आए नीचे प्रसाद पाए, आरती दर्शन किया, और आरती का जो ये है ना, ये किसको लेने नहीं देंगे, खुद लेकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आरती दिखाएंगे, सबका आरती दिखाएंगे, हे जब कीर्तन होना शरीर पर कपड़े देख रहे, इतने बड़े सुंदर नाचते थे, इसलिए उनको ऐसे कार्तिक महीना एकादशी का दिन दोपहर में भोजन किया प्रसाद पाए और जाकर लेट हो, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। हाँ इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते यहाँ पर कहते हैं कभू दुख नाई तार जन्म व मरणे, सचमुच से जो भगवान की भक्ति शुद्ध रूप में एकनिष्ठ होकर भक्ति करे, शास्त्र कहता है उनका जीवन भी बड़े अच्छे से जीवन बीत जाएगा, क्योंकि ठाकुर को भक्ति कर रहे भजन कर रहे हैं, और उसको मृत्यु भी अनायास में मृत्यु होगा, किसको दुख कष्ट, कभी किसको दुख कष्ट देने नहीं देंगे। ताबत कांदन प्रभु, यहाँ पर कहते हरि नाम सुन ले रहे न तब तक क्यों, इसलिए महाप्रभु तब तक रोते रहेंगे जब तक हरि नाम को नहीं सुनेंगे। शिक्षा देते हैं हरि का नाम से ही तुम्हारी रोना बंद होगी, और किसी चीज से तुम्हारी रोना बंद नहीं होने वाली। इसलिए अगर तुम बिना हैं बिना अगर रोना चाहते हो, मतलब बगैर दुख कष्ट से अगर जीवन बिताना चाहते हो, क्या करो, हर समय महाप्रभु कहते की भोजने की सहने कि बा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बोलह बदने, हर समय क्या करो, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह से क्या करो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि षष्ठी पूजा होता है, पता ना छठी 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 की पूजा, वहाँ पर उन्होंने छठी की पूजा किए, और जब महाप्रभु आए, अभी क्या है जितने देवता लोग देवी लोग दर्शन करने आते हैं, ये सब के सब दर्शन करने आते हैं, लेकिन जब दर्शन करने आते हैं अभी तो महाप्रभु ये प्रच्छन्न अवतार, ये तो साक्षात रूप में भगवत अवतार रूप में दिखाया नहीं, इसलिए किस रूप में छुप छुप करके, हाँ जब आकाश मार्ग से ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र देवा देवी उमा रमा सबके सब दर्शन करने आते, जब आते हैं उतने में देवता लोग तो आते हैं, लेकिन कभी कभी आने पर कुछ आभास मिलता है ना, हाँ देवता लोग आ रहे हैं स्तुति स्तव कर रहे हैं, अभी मैया जशोदा तो सच्ची मैया तो डर जाती है, ये क्या है, लगता है कोई भूत पिशाच तो मेरे लाला के ऊपर में कोई आक्रमण करने के लिए नहीं आते हैं, हैं लगता है ना आभास, कोई अगर छुप कर भी आए कुछ आभास लगता है, इसलिए वो क्या करते हैं नरसिंह देव का मंत्र, नरसिंह देव का मंत्र को कहते ना, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्यकशिपु उर्वशः
जत जत जामी ततो नृसिंह हृदय नृसिंह बाहिर नृसिंह हृदय दे शरणम प्रपदे। इसलिए सबके सब मंत्र और क्या दानवों से रक्षा करने के लिए तरह तरह का जो मंत्र पढ़ने पर बच्चे के ऊपर कोई अमंगल नहीं आए, इसलिए ये मंत्र को पढ़ करके शिशु निमाई को क्या करते थे, विघ्न से जैसे दूर हो, कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए उनको मंत्र पाठ के द्वारा उन्होंने महाप्रभु को रक्षा करते थे। लेकिन उनको पता नहीं चलता था सब देवादेवी ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ बोले सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ दवा नाला सामा संसार दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्रीहरि कीर्तने राहे नमगन महामत मने रोमांच कंपासो हय गौर प्रेमी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत सदार काजिनी विग्रह सेवने श्रृंगार मंदिर मर्जने करे नी जुक्त अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमल चर्ब चुस्त ले जा। हरि बोल। और दो दालिया एक माता जी बना कर बुलाई चर्ब चुस्त ले जा प्यारा समय प्रसादान्ना कृष्णेर अति स्वादु है भक्त आस्वादने निज तृप्त रहे बंदी से गुरु चरण कमल राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चित जिनी अन प्रतीक्षणी बंदी से गुरु चरण कमल ब्रज जुव द्वंद रति संवर्धनी युक्ति करे सखी सनि वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गनी बंदी से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाये श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभुर प्रियतम रूप बंदी से गुरु चरण कमल जहर प्रसादे कृष्ण कृपा पाई जार प्रसादे अन्न गति नहीं श्री संध्या कीर्तिर सब जानी भाई बंदी से गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मी मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावननाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु चरण कमल सिंधु गुरु चरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरु।
कृष्ण सेवन ब्रह्माते नारदर माते नारद ते व्यास मध्व कहे ये ऐसी चल रही है ना, तू चला रहे बंद कर दो। गाते निहारी माधव बंते अशव परमानते शिशवली अंगीकार कारे अक्षभेरती सजय कीर्तनाम परिचय शारदास ज्ञान सिंधु कारे ताहित दयान दे शारदास वेदान दे राजेंद्र हरिल ताहित कहार किंकर जय धर्म नाम परिचय परंपरा जन बल माते जय धर्म दास काते त्रिपुरो स्वतम जति ताहिते ब्रह्मन्न तीर्थ सोरे व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहिते माधवेन्द्र होरी माधवेन्द्र नित्यानंद श्री अद्वैत ईश्वर पुरी के धन करे जगद्गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण रूपानुगज निराजीव विश्वकर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी उपसनातन प्रिय महाजन जीवर गुणत कार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वरन रुतम सेवा पर कार पद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त सात बर देव जगन्नाथ कार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभगवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन तेजर मोद श्रीवार्तवन विवर सदर दैत दासना प्रभु पाद अंतरंग स्वरूप रूपानुभति प्रज्ञान गौरी वेदांत वेता मायावाद समो गौरवाणी प्रचारी निधाम प्रिय महाजन गौरवाणी तादर प्राणधन हे सब जन गौर निरंजन तादर उचित मर का गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर त्रिवदति गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो जीवदायक वक्तृत्ते वरा
अति अनुकूला मात कज रसुकार भक्ति प्रतिकूल भाव भजन अंगीकार तरंग शरणागति हरि विजार कहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार रूप सनक सिखाए शरणागति करहि उता जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि धरधर आत्मनिवेदन तुआ पदे करे आइनो परमा सुखी दुख दूरे गेला चिंता न रहिला चौदह गे आनंद अमृत आधार तुमार चरण दोया कहते खन विश्राम लभिया छाड़ी नो भवीर तुम्हार संसारे करी सेवा नहीं बाले भागी तब सुख जाहे करी बजत हय पदे अनु रागे दुख परम संपद नाशय विद्या दुख
खपे मान पुरबास भूलनो सकल सेवा सुख पे माने आनंद डोबिया तुम्हार सेवार तारे सब चेष्टा करे तब इच्छा मत थाकिया तुम्हार धारे प्रभु ये आत्मनिवेदना तू आप करे आइनो परम सुखी निताई गौर चंद्र सब अवतार सरशिरोमणि Yeah.
के झुरे पाषाण बिदरे एल गौर रस नदी कादंबिनी होय एल गौर एला गौर रस नदी बोला कादंबिनी होय एला गौर रस नदी कादंबिनी होय बसाइला गौर देश आ बसाइला गौर देश प्रेम वृष्टि दे नित्यानंद राय ताए मारुत सहाय Bye.
निकाल कर दे अरे भर गद गेनिपत भुवि दंडवतुटारती आशा प्रसादमबुदस् जनास्य कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणनाम्बिदे श्यामी रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगजनस्य श्यामस्य भाम भुज बदतनु कदा त्वाम् इंदिरा विरल रूप भराम भजामि त्वाम् प्रच्छदेन मुदिर छविनाम् पिधाय मंजीर मुक्त चरणांच विदाय देवि कुंजे ब्रजेन्द्र तनयेन विराजमाने नक्तं कदा प्रमुदितामभिराक्षिसे कुंजे प्रसुन्न कुल कल्पित के हेलितल्पे संबेष्टयोर मधुर नर्म विलास भाजो लोकोत्रयावरणयो शरणार्भुजानी संवाहय सति कदा युवयोर्जनो कुंडरोधसि विलास परिश्रमेण स्वेदाम्बुचुम्बिवदना पूर्वं श्रियोवा वृंदावनेश्वरि कदा तरुणो मुल्लभाजौ संबीजयामि चमरि चरम चामरेण लीलां निकुंज कुहरि भवती मुकुंदे चेत्रैव सुति भवति गुरुरायणा भोग्ना भुवं नरचयति मृषा रुषां त्वां माग्रे व्रजेन्द्रतन सकदानुनेसे वाग्जोद्धकलिको तके ब्रजराजसूनु जित्वात्मदामधिकदत्वभिलासि जलं पुल्लो विराली विराल दिगीर्णमाण कदा नमः
पति मब लोक से जब को वृषभा कुमारिकाया तम प्रार्थना सतमित पठती प्रयत्न ता प्रेयस सित धृत प्रमोद अदलहरी मुररी करो ये अष्टक कुमकुम माक्त कांचन आप जो राधा रानी का राधिकाष्टकम राधिकाष्टकम कुमकुमाक्त कांचन आप जो गर्भ हरि गौरवा पीतनांजिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरवा बल्लभेश सोनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह मात पाद पद दास दास्तु राधिका कौरबिंद कांति नींद चित्रपट साटिका कृष्ण मात भृंग केली फूल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म भदुराधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास दासु राधिका सौ कुमार सृष्ट पद बाल कीर्ति निग्रहा चंद्र चंद पललिन से बसित विग्रह स्वाभिमर्ष वल्लवेश काम ताप बाधिका मह्यमात्म पाद दास दासुराधिका विश्व बंद यौवता अंधिता पिजारम रूप नग्ब यौमनादि संपदन जसमा शील हार्द लीलया स्वजस्त हस्तिनाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका रास लास गीत नर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप बेस सद्गुणालि मंडिता विश्व नभ्य गोप जोशि दालि तोपि जाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका नित नभ्य रूप के कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बद्ध गो जौवते सुकंपदा कृष्ण रूप बेस केल लग्न सत्समाधिका मह्यमात्म पाद पद दास्य दास्तु राधिका वेद कंप कंटका श्रुगद गदादि संचिता मर्ष हर्ष वाम सादि भाव भूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनालि जाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका जाख्यनार्ध कृष्ण विप्रयोग संतोदिता नेक दैन्य चापलादि भाव बृंद मोदिता जत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता खिलाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका अष्टकेन जस्त्वेनेन नौति कृष्ण वल्लवम् दर्शन अपि शैलजा जोशी दालि दुर्लभम् कृष्ण संग नन्दितात्म दास सेतु भाजनम् तम करोति नन्दितम् संचुआसु जाजनम् आत्म पाद पद्म दास दासु
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। इसके से बंद कर दो।